हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टोक। वी आर मेकिंग 365 वीडियोस ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन इस पूरे साल और हम चाहते हैं आपका सपोर्ट इस चैनल पे, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे चैनल का जो नाम है उसी पे आज का टॉपिक है एंड द टॉपिक इज द विजडम टूथ, अकल जार। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अकल जार जो है विजडम टूथ, उसको अकल जार क्यों बोलते हैं और ये क्या होगी? हमारे मुंह में जो काम करने वाले दांत होते हैं वो होते हैं 28। जो एक्स्ट्रा दांत होते हैं हमारे मुंह में उन्हें कहते हैं विजडम टूथ या अकल जार। ये मोस्टली 18 साल के बाद आता है। तो 18 साल के बाद एक इंसान एडल्ट टीनेज से एडल्ट लाइफ में आ जाता है, इसीलिए इसको एक कॉमन टर्म दी गई है विजडम टूथ की, अकल आ गई इसलिए अकल दांत आ गया। ये सिर्फ एक कहने में आता है, इसका अकल से कोई रिलेशन नहीं होता। तो अकल जार जो है ये जरूरी नहीं सभी लोगों में आए, ये डिपेंड करता है कि हमारे जबड़े में, ये डिपेंड करता है कि हमारी हड्डी में वो जगह है जहाँ पे ऐसी अकल जार बाहर आ सके। विजडम टूथ यानी अकल जार को क्लासीफाई किया गया है चार टाइप्स में, जहाँ पे उसको बताया गया कि ये हॉरिजॉन्टल है या इंपैक्टेड है या एंगुलर है। तो ये बाहर ना आने के डिफरेंट डिफरेंट कारण होते हैं। कई बार वो सीधी होती है लेकिन जगह नहीं होती है, कई बार वो टेढ़ी होती है जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो उनके बाहर ना आने के कई कारण होते हैं, लेकिन बाहर ना आने से जो दिक्कत होती है वो होती है सोजस हो जाता है, दर्द होती है, आगे वाला दांत को पुश करता है तो आगे वाला दांत भी खराब हो सकता है। तो कई सारी दिक्कतें होती हैं अकल जार के कारण। अगर आपका अकल दांत या अकल जार जिसे हम कहते हैं विजडम टूथ, अगर वो आपको दिक्कत दे रहा है आते वक्त, तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि उसको हम एक्सट्रैक्शन कर दें। उसकी इम्पैक्शन जो है वो नॉर्मली एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, हड्डी को काट उसको दांत को निकाल दिया जाता है, उसके बाद उसको सूचराप कर दिया जाता है 5-6 दिनों के लिए और उसके बाद वो दांत को दिक्कत नहीं देता। लेकिन ये थोड़ा माइनर सर्जरीज में आता है, इसलिए इसके प्रिकॉशंस नॉर्मल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर से थोड़े ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि ये जहाँ पड़ा होता है इसके नीचे हमारी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व होती है, नस होती है, इसलिए इसकी एक्सट्रैक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। अगर ये दांत सीधी तरह बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट पोजिशन में बाहर आ जाए तो इस दांत में कोई दिक्कत नहीं होती, ये आपको कभी तंग नहीं करता और कहने को ये वेस्टिजियल माना जाता है, मतलब इसका शरीर में कोई काम नहीं है। लेकिन अगर अपराइट पोजीशन में सीधा बाहर आ जाए तो ये काम भी करता है और दिक्कत भी नहीं देता। और अगर कल को हमें एक दांत, एक्स्ट्रा दांत की जरूरत पड़े तो हम इसको ट्रांसप्लांट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको मीजल शिफ्ट करवा के आगे भी ला सकते हैं इनकेस अगर आपका छठा दांत या सातवां दांत गिर जाता है। ये दांत एज सच इतना यूज नहीं है, लेकिन अगर ये टेढ़ा है या दिक्कत कर रहा है तो उसको निकालना ही बेटर रहेगा, लेकिन अगर सीधा आ रहा है तो निकालने की जरूरत नहीं है। विजडम टूथ के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, हम ट्राई करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। सी यू टुमारो।